आज भारत के एक बहुत बड़े महानगर में मेट्रो में एक गरीब से दिखने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए नहीं प्रवेश करने दिया गया क्योंकि उनकी वेशभूषा ठीक नहीं थी और मेट्रो के अनुकूल नहीं थी, और सिक्योरिटी के अफसर ने ऐसा समझा कि वो मेट्रो में अगर ट्रेवल करते हैं तो उससे वहाँ का माहौल बिगड़ जाएगा। वो एक गरीब किसान थे और उनकी वेशभूषा वैसी थी जैसे हमारे गांव देहात में हमारे बड़े बुजुर्ग जिस तरीके से रहते हैं। एक बहुत ही शर्मनाक बात इसलिए है क्योंकि कभी हमें सोचना चाहिए कि हम जो ये कहते हैं भारत के नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मैं भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बनना चाहता हूँ, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं भारत का देहाती अगर हूँ, मैं भारत का गंवार हूँ और खुश हूँ, तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप मुझे ज़बरदस्ती भारत का नागरिक नहीं बना सकते। सिटीजन ऑफ इंडिया, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि आई एम अ प्राउड विलेजर ऑफ इंडिया, आई लिव इन कंट्री साइड ऑफ इंडिया, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है मेरे से, आपको आपत्ति क्या है? तो इसीलिए ये जो ज़बरदस्ती का मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मैं नागरिक हूँ, ये जो 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 कल्चर जो थोपा जा रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे जो 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 कल्चर्स है, जो हमारे लोग हैं, समाज है, उसके साथ हम कर क्या रहे हैं? तो ये आप एटिमोलॉजी में ये कह सकते हैं कि नहीं, ये जो नागरिक जो शब्द है, जो जो सिटीजन जो वर्ड है, इसके एटिमोलॉजी के कॉनोटेशन आज बदल गए हैं, लेकिन शब्द का मूल तो वही है। आपको गूगल में पता चल जाएगा कि फ्रेंच और लैटिन में सिटीजन ये कहाँ से आ रहा है ये वर्ड, और आप ये कह सकते हैं कि आज इसकी कॉनोटेशन कुछ और है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जहाँ से ये मूल रूप में आया, वहाँ उनकी सोच में कुछ गड़बड़ी थी, वही हमने सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हम इतने बुरे, हम कॉपी कैट लोग हैं, हमें ठीक से कभी कॉपी करना नहीं आता और हम कॉपी ही करते रहते हैं। गांधी जी कहा करते थे कि भारत की मूल आत्मा गाँव में बसती है, लेकिन हमने क्या किया है स्वतंत्रता के बाद की गाँव की मूल आत्मा से ही हमने छेड़छाड़ किया। गाँव में केवल शहर की सुविधा चाहिए थी हमें, आत्मा गाँव की चाहिए थी। आत्मा गाँव की जो सुविधा है वो शहर की चाहिए थी। गाँव में सड़क नहीं है, वो तो हमने दिया नहीं सड़क। मेडिकल सुविधाएं चाहिए, ये सब सुविधाएं चाहिए आधुनिक, लेकिन ये नहीं कि हम गांव की जो मूल आत्मा है उसे ही हम टैम्पर करें और उसे ध्वस्त कर दें। और मेट्रो में ऐसे गरीब से गांव से आया कोई व्यक्ति वो ट्रेवल ही नहीं कर पाए, ये पता नहीं, ये दिस कॉल्स फॉर ए वेरी डीप इंट्रोस्पेक्शन।